में हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। मुरादाबाद ब्लॉक की मुड़ा पांडे में गरीब की झोपड़ी व दीवार गिरने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार 4 दिन से बारिश जारी है, जिसके चलते किसानों व गरीब मजदूरों को काफी नुकसान हो रहा है। कमजोर होने के कारण वे अभी तक अपने घर पर कच्ची दीवारों पर झोपड़ी डालकर रह रहे थे, जिसको लेकर के वह कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए ब्लॉक मुड़ा पांडे में सहायता लेने के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी कोई भी सहायता नहीं की जाती है। और आज 10 बजे लगातार बारिश से उनकी दीवार और झोपड़ी गिर गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। परिवार वाले चाहते हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से सहायता मिले और वह अपने घर का सही तरीके से निर्माण करा सके। 3 दिन से रुक रुक कर बारिश से गरीबों की आशाएं गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि वीरपुर थान मिल्क में भी एक गरीब का कच्चा मकान गिरा है। कहाँ रहने वाले हो? झंडावाली मिल्क वीरपुर थान। अच्छा, बारिश जो पड़ी है उससे क्या हुआ है? अच्छा, मकान गिर गया, हमारा गाय दब गई। चोट लगी किसी गाय के? गाय के चोट लग गई। तुम्हारा भी लगी क्या? मेरे गाय के हल्की सी लगी। कौन से गाँव रहने वाले हो? झंडावाली मिल्क। आगे दीपक थान लगता है। ठीक, किस टाइम में घटना है? रात की? दिन की? रात की है। रात की? रात के 10 बजे हुआ। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या समस्या है आपके साथ? समस्या मकान गिर गया, रहने का जरिया नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके पास? 4 बच्चे हैं। लड़का कितने? लड़के कितने हैं? लड़के कितनी है? 3 लड़कियां, 1 लड़का है छोटा। अच्छा, जो भी घर में काम धाम करने वाले हैं वो आप ही हो? मैं हूँ, मजदूर आदमी, जमीन भाड़ा कुछ नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो चाचा मकान जो गिरा था किस चीज से गिरा था? ये बारिश में गिरा है। अच्छा, तो घर के अंदर जो सामान था सब दब गया होगा? सब दब गया था उसमें। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ क्या मुझे कुछ लाभ मिल जाए तो मैं घर बना लूँ। अच्छा, तो आपने किसी अधिकारी से कुछ कहा? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। सरकारी आवास नहीं मिला आपको? ना, कुछ नहीं।